बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको इंटर में 7J इंटीग्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड इंटीग्रेशन आपको टीच करने जा रहा हूँ। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज, कंपटीशन में भी ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। तो सो नो डाउट, चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो आपका है वन अपॉन 2x² प्लस एक्स माइनस 1। देखिए यहाँ जो भी पार्शियल फ्रैक्शन आपको करना है, अगर फैक्टर है तो उस फैक्टर को आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर तो आपको आता ही होगा, मैं साइड में कर देता हूं, ट्वाइस x² प्लस एक्स माइनस 1। अगर इसके फैक्टर को आप करते हैं तो देखिए क्या होगा, 2 माइनस 1 ब्रैकेट के बाहर x माइनस 1, ट्वाइस x² प्लस आपका 2x माइनस x और माइनस 1। 2x कॉमन लेते हैं तो आपका x प्लस 1 होगा, और माइनस 1 अगर कॉमन लेते हैं तो आपका x प्लस 1 आ जाएगा। तो x प्लस 1 और 2x माइनस 1, ये इसका फैक्टर हो गया। तो कहीं भी फैक्टर करके इसको आप यहाँ रख दें, और आपकी इच्छा हो तो आप यहां भी फैक्टर कर सकते हैं, ठीक है। इसका फैक्टर करने पे ये है, इस साइड में मैंने बताया, और इस फैक्टर को आप यहां भी कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, तो अच्छा है साइड में कहीं फैक्टर कर लें, उसको आप यहां रख दें, ओके। ये इसका फैक्टर है। अब देखिए समझिए, फैक्टर करने पर आपको फाइंड हुआ, हमारे पास अभी तक देखते थे कि सिंगल वेरिएशन सेम फॉर्मेट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन जनरेट बाय पी स्क्वायर। आप किसी को भी कुछ भी कर लेते थे, टी लेट करने के बाद में आपका इंटीग्रेशन हो जाता था, लेकिन यहां पर ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। तो व्हाई रीजन ऐसा करना पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि यहां कुछ है नहीं। तो पार्शियल फ्रैक्शन में आपको बता दें कि कई आपके कॉन्सेप्ट होते हैं। एक पहला कॉन्सेप्ट ये कि जब फैक्टर हो जाए और पावर आपकी 1 हो तो इसे ए और बी सी में ऐसे तोड़ते हैं। जैसे फर्स्ट टाइप आपका आज मैं टीच कर रहा हूं कि कहीं भी आपका x माइनस बी, अब x माइनस अगर आपका c है तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, a अपॉन x माइनस c, ओके, और b अपॉन आपका x माइनस बी और c अपॉन x माइनस c। अगर आपके दो ब्रैकेट हैं तो c वाला हट जाएगा, ठीक है ना। तो फर्स्ट पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म ये। सेकेंड में ये होगा कि पावर आ जाएगी, एक में x माइनस a आ गया, अगले में x की पावर 2 प्लस a की पावर 2, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन अलग तरह से होता है, ठीक है ना। अगर पावर आता है तो उसको पहले सिंग पावर 2 है तो पहले 1 लेंगे फिर 2 लेंगे, तो अलग अलग तरह से है। तो है क्या, टाइप बाई टाइप है, तो मैं पहला टाइप आपको बता रहा हूँ, सिंपल वाला, ठीक। ऑल ऑफ यू देखिए, मैंने यहां पर लेट किया, लेट 1 अपॉन x + 1 2x - 1 इक्वल ए बाई एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन 2x - 1, ये पार्शियल फ्रैक्शन आपने यहां पे लेट किया, ओके। देखिए एलसीएम लेता हूं मैं, एलसीएम लेते एक्स प्लस 1, इसका इसमें मल्टीप्लाई, तो a इंटू आपका 2x - 1 प्लस b इंटू आपका हो जाएगा x प्लस 1, इससे कैंसिल, तो 1 इक्वल आपका a 2x - 1 प्लस b और x प्लस 1, ओके। अब देखिए इसको आप यहां पर इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे, जब आप इसको जीरो लेंगे तो a की वैल्यू आएगी, और जब 2x - 1 यानी इसको जीरो लेंगे तो b की वैल्यू आएगी। तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिनोमिनेटर में a के डिनोमिनेटर को अगर आप जीरो लेते हैं तो a की वैल्यू फाइंड होगी, b के डिनोमिनेटर को आप जीरो लेते हैं तो आपको b की वैल्यू फाइंड होगी, आर यू ओके। तो देखिए इफ x + 1 इक्वल टू जीरो, x इक्वल क्या आया माइनस 1, पुट
इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप उसको रखते हैं एक्स इक्वल माइनस वन, तो वन अपनी जगह पर है, ये टू इंटू आपका माइनस वन, ये भी माइनस वन। अब देखिए यहाँ पर एक्स प्लस वन को जब आपने जीरो लिया है तो बी इंटू आपका जीरो हो गया, माइनस का टू माइनस का वन माइनस का थ्री, क्या फाइंड हुआ, माइनस का थ्री है। अब देखिए माइनस का थ्री फाइंड हो रहा है तो ए इक्वल टू आपका आ गया माइनस वन बाई थ्री, भाई माइनस का टू और माइनस का वन तो माइनस थ्री हो गया, एक कल माइनस वन बाई थ्री। अब इफ इसको आप जीरो ले लें ट्वाइस एक्स माइनस वन इक्वल जीरो, एक्स इक्वल वन बाई टू, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो एक्स इक्वल वन बाई टू अगर आप यहां पुटअप करते हैं, देखिए वन इक्वल टू, यहां पर टू एक्स माइनस वन को आपने जीरो लिया है तो ए इंटू आपका जीरो हो गया, प्लस बी इंटू एक्स प्लस वन, तो x आपका है 1 बाई टू और ये प्लस 1, 3 बाई टू आ जाएगा, 3 बाई टू बी, तो b इक्वल आ गया 2 बाई थ्री। तो हमारे पास दो वैल्यू आ गई, एक a और दूसरा आपका b, a और b आपके वैल्यू यहाँ पे आ गई। अब देखिए हमें पार्शियल फ्रैक्शन करना है तो इसका आपने फैक्टर किया ये फाइंड हुआ, और इसके पार्शियल फ्रैक्शन को आपने ये लेट किया, ए और बी को फाइंड किया, तो यहाँ पे ये किसके इक्वल होगा, ए और बी की जो वैल्यू आपकी आई वो यहाँ पर आप पुट अप करेंगे और उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे तो सिंपल हो जाएगा, क्योंकि वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है वो आपका लॉग एक्स होगा, वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन जो आपका होगा वो लॉग एक्स होगा। तो देखिए नाउ लास्ट में आ गए आप, क्वेश्चन को नोट कीजिए, वन अपॉन ट्वाइस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वन डी एक्स इक्वल, अब ए की वैल्यू आई माइनस की वन बाई थ्री, ये जो आपका आया है वो माइनस वन बाई थ्री आया है, तो यहां पे रखिए माइनस वन बाई थ्री वन अपॉन हो गया एक्स प्लस वन डी एक्स, बी की वैल्यू टू बाई थ्री आई है यहां पर पुटअप करिए 2 by 3 और 1 अपॉन हो जाएगा 2x माइनस 1 ओके। अब देखिए जब आपने इतना किया तो आगे क्या होगा, ये बात समझ में आपको आ रही होगी, 1 अपॉन 3 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है log x, 1 अपॉन x का क्या होगा log x। यहां पर देखिए जब इसको आपने t लेट किया होगा तो 1 बाई टू आएगा तो 2 हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 बाई थ्री और इंटू लॉग 2x माइनस वन एन प्लस सी, क्योंकि समझने वाली बात है इसको आपने t लेट किया होगा तो 1 बाई टू आएगा तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा ओके। तो ये एग्जैक्टली सोल्यूशन है, तो इस तरह के जो भी क्वेश्चन आपके होते हैं आपको जो है आसानी से जो है आप कर सकते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लें, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, यहां पर मैंने x को कॉमन लिया, x कॉमन लेने पर आपका 1 माइनस आपका x की पावर 2 आया, जिसको आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो a प्लस बी और a माइनस बी। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप यहां पर क्या लिट करेंगे, एक्चुअल में लिट करेंगे आप 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स इक्वल, ये आपका होगा ए बाई एक्स प्लस बी अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस सी अपॉन 1 माइनस एक्स। देखिए टोटल आपका फैक्टराइज है तो सिंपल वे में आपका जाएगा, अब यहां से आप एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, ये तो आपका एज इट इज होगा, एलसीएम लीजिए तो एक्स
वन प्लस एक्स एंड वन माइनस एक्स, ये आपने एलसीएम लिया। तो ए देखिए एक्स एक्स कैंसिल होगा तो ए के साथ आएगा वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, वन प्लस एक्स कैंसिल हो जाएगा तो ये दोनों बी के साथ होंगे आपके और वन प्लस एक्स, ओके ये इससे कैंसिल। तो ए के साथ आपका है वन प्लस एक्स वन माइनस एक्स, बी आपका है एक्स इंटू वन माइनस एक्स, सी है सी के साथ एक्स और वन प्लस एक्स। इक्वेशन इसको फर्स्ट डाल देंगे, यहां पर आकर आप इसे इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। अब देखिए मैंने आपको जो बताया था कि अगर डिनोमिनेटर में इसके एक्स है इसको जीरो लेके के पुट करते हैं यहाँ पर तो ए की वैल्यू आएगी, जब आप बी के डिनोमिनेटर में वन प्लस एक्स है इसको लेते हैं तो बी की वैल्यू आएगी, सी के डिनोमिनेटर में वन माइनस एक्स है इसको आप लेते हैं तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी, फिर ए बी सी की जो भी वैल्यू आएगी यहाँ पे पुटअप करते हैं तो 100% उससे क्या होगा वन अपान एक्स का फॉर्मूला बनेगा जिससे वन अपान एक्स का लॉग एक्स हो जाएगा, वो आसानी से आपका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पर देखते हैं इफ एक्स इक्वल जीरो, एक्स इक्वल जीरो है पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। चलिए एक्स इक्वल वन में आप जीरो पुटअप करता हूं तो सिचुएशन क्या है, ए एक्स इक्वल जीरो पुटअप कर रहा हूं तो ए वन प्लस जीरो और वन माइनस जीरो, क्योंकि एक्स इक्वल जीरो है तो बी और सी वाले टर्म जीरो हो जाएंगे तो यहां से एक पर देखिए वन फाइंड हो गया, क्योंकि वन वन से कोई इफेक्ट नहीं वन ही आएगा तो एक पल आपका वन फाइंड हो गया। आर यू ओके? तो एक पल आपने यहाँ पे क्या देखा कि वन जो है आपका फाइंड हो गया। अब चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं देखते हैं, मैंने वन प्लस एक्स को जीरो लिया, इफ वन प्लस एक्स इक्वल जीरो तो एक्स इक्वल माइनस वन पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। अब माइनस वन जब मैं रखता हूं तो देखिए बी के नीचे से उठाया तो ए आपने वन प्लस एक्स को जीरो लिया ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, बी वाली वैल्यू आएगी तो बी इंटू माइनस का वन वन माइनस माइनस प्लस वन हो गया तो ये माइनस का टू भी आया तो बी इक्वल टू आपका माइनस का वन बाई टू। आर यू ओके? तो b इक्वल आपका क्या फाइंड हो गया माइनस का वन बाई टू। अब चलिए वन माइनस एक्स को जीरो लेता हूं, इफ वन माइनस एक्स इक्वल जीरो एक्स इक्वल वन, फिर वही पुट इन इक्वेशन फर्स्ट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में इसको रखते हैं तो देखिए क्योंकि हमने 1 माइनस एक्स को जीरो लिया है तो ये ए जीरो हो जाएगा बी जीरो हो जाएगा, यहां पर वैल्यू से रखने पे आएगा तो 1 एक्स इक्वल 1 रखते हैं तो सी इंटू वन वन प्लस वन टू आया टू सी तो सी इक्वल टू आपका हो गया 1 बाई टू। तो देखिए ए इक्वल आपका 1 बी इक्वल माइनस 1 बाई टू सी इक्वल 1 बाई टू तो ये उसी तरह से था अंत में। नाउ वन अपॉन एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, तो देखिए ए जो आपका फाइंड हो रहा है वो वन हुआ है तो यहां पे वन रखें तो वन अपॉन एक्स डी एक्स, बी जो आपका फाइंड हुआ है वो माइनस वन बाई टू है तो माइनस वन बाई टू वन प्लस एक्स डी एक्स, ओके सी जो आपका है प्लस वन बाय टू फाइंड हुआ है तो वन अपान वन माइनस एक्स डी एक्स, तो वन अपान एक्स का इंटीग्रेशन जो होता है एक्चुअल में लॉग एक्स, ये आपका हो गया वन अपान एक्स का लॉग एक्स। देखिए ये भी वन अपान एक्स का जो है लॉग एक्स एन प्लस सी। अब आप कहेंगे सर माइनस क्यों है, जब आप देखिए वन माइनस एक्स को टी लेट करें तो माइनस डी एक्स इक्वल डी टी आएगा, है ना,
तो उससे क्या है, आप इसको यहाँ पे रख देंगे। आर यू ओके? क्वेश्चन नंबर 4, देखिए एक्स की पावर 2 प्लस 3x माइनस आपका 18 है, हमें इसका फैक्टर करना है। तो जैसे पहले क्वेश्चन मैंने आपको बताया, 18 को आप ब्रेक करेंगे 6 × 3, 6 माइनस 3 आपका 3 पॉइंट होगा। जब आपने फैक्टर किया तो x प्लस 6 और x माइनस 3 आपको यहाँ पर फाइंड होता है। अब देखिए हमारे पास 2 ब्रैकेट्स हो गए, तो ये a और b में टूटा। इसके पहले वाले क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि वहां पे हमारे पास एक्स प्लस 1 था, एक्स माइनस 1 था, तो उसको आप ए बी सी में आपने ब्रेक किया। तो पार्शियल फ्रैक्शन का फर्स्ट टाइप में आज फिनिश करूंगा। तो देखिए यहाँ पर जो एलसीएम लेने पर ये सिचुएशन आई, और इसे एक बार फिर यहाँ पर इक्वेशन क्या ले लेंगे फर्स्ट। अब देखिए इफ अगर इसको आप जीरो लेते हैं तो ए की वैल्यू आएगी, इफ एक्स प्लस 6 इक्वल 0 तो एक्स इक्वल आपका माइनस 6 हो गया। एक्स इक्वल क्या हो गया? माइनस 6। पुट पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, सो वी नो डाउट एक्स इक्वल माइनस 6 पुट करेंगे तो 2 इंटू माइनस 6 और माइनस 3, ए माइनस 6 और ये आपका माइनस 3। एक्स प्लस 6 को आपने 0 लिया है तो बी इंटू 0 हो गया। तो ये देखिए माइनस का 12, माइनस का 3, माइनस का यहाँ से 9 है, माइनस का 15, माइनस का 9 है, तो सो वी नो डाउट ए इक्वल टू 15/9, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो 5 बाई आपका आ गया 3। 3 से कैंसिल करें, 3 5 जा 5 हो जाएगा, 3 3 जा 9। ओके, ए की वैल्यू फाइंड हो गई। सिमिलरली If, इसको आप जीरो ले लें, इफ एक्स माइनस 3 वन इक्वल 0 तो एक्स इक्वल 3। पुट इक्वेशन फर्स्ट। ओके, देखिए इक्वेशन फर्स्ट में एक्स इक्वल 3 पुट अप करते हैं तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, क्या हो गया 2 इंटू 3 एंड माइनस 3। जब आपने एक्स माइनस 3 को 0 लिया तो ए इंटू 0 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए एक्स इक्वल आपको 3 पुटअप करना है तो प्लस आपका बी इंटू क्या हो जाएगा 3 प्लस 6, 2 3 जा 6 माइनस 3 और ये आपका हो गया 9b। तो 3 इक्वल आपका 9b हो गया, तो बी इक्वल आ गया 3/9, तो सो यू नो डाउट बी इक्वल टू आपका 1/3। तो बी ये फाइंड हो गया, ए आपका ये फाइंड हो गया, तो ए और बी आपके फाइंड हो गए। बहुत ही लंबे लंबे क्वेश्चन यहाँ पर हैं। अब देखिए ए और बी की वैल्यू जो आपने फाइंड किया है इसको आप क्या करेंगे, नाउ क्वेश्चन को नोट करेंगे, 2x माइनस 3 और अपन आपका है x की पावर 2 प्लस 3x माइनस 18 dx। अब देखिए इसको आपने पार्शियल फ्रैक्शन में अपडेट किया है तो ये लिख दिया, तो a की वैल्यू जो आपकी आ रही है 5/3, यहाँ 5/3 को रखते हैं तो 5/3 1/x प्लस 6 dx और b की वैल्यू आ रही है 1/3, 1/3 1/ आपका होगा x माइनस 3। तो 5/3 1/x का हो गया log x, ये 1/3 आपका 1/x का log x n plus c। तो ये आपका यहाँ पर एग्जैक्टली आपका सोल्यूशन है। तो आप देख रहे हैं कि पार्शियल फ्रैक्शन से रिलेटेड ये एक्सरसाइज है, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इसका बहुत यूज होता है आगे जाके, आप कंपटीशन में देखेंगे बहुत जगह आपका यूज होता है। इसके बिना बहुत सारे इंटीग्रेशन है जो पार्शियल फ्रैक्शन के बिना नहीं होते हैं, जैसे यहाँ पर है। तो तब नहीं, ये टाइप फर्स्ट मैंने आपको आज टीच किया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपका है x की पावर 2 प्लस 1, x की पावर 2 आपका माइनस 1,
तो मैंने यहाँ पर एक्स की पावर 2 प्लस 1 है, माइनस 1 मैंने देखिए एक घटाया और एक जोड़ा, यानी 1 सबट्रैक्शन 1 एडिंग किया, एडिंग 1 एंड सबट्रैक्टिंग 1, तो 1 1 2 हो गया माइनस 1, इसके साथ मैंने इसको स्प्लिट किया, ये 1 पॉइंट हो गया, 2 के साथ ये अलग हो गया, स्प्लिट किया मैंने। फॉर्मूला बनना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, जो होता है 1 अपॉन 2a, 2a इक्वल 1 है, log x माइनस a और x प्लस a। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक छोटा सा फॉर्मूला लगा और ये हो गया। 6 नंबर जो आपका है बहुत ही एक स्ट्रांग क्वेश्चन है, लेकिन इसको मैंने पी स्क्वायर फंडा बहुत ही छोटा क्वेश्चन कर दिया मैंने टेक्निक लगा के। तो देखिए जबरदस्त टेक्निक है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 को मैंने यहाँ पर टी लेट किया, तो 2x dx इक्वल dt, x dx इक्वल 1 बाई 2 dt, समझ गए होंगे आप। इसके बाद देखिए आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि इस स्टेप के बाद ये स्टेप कैसे आया, तो आप जरा गौर से देखिए, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेते हैं तो यहाँ टी माइनस बी स्क्वायर हुआ, माइनस का टी प्लस का स्क्वायर होगा, एलसीएम लेने पर ऊपर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बाहर मैंने इसको ले लिया, तो यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो एलसीएम लेने पर आएगा वो इससे कट जाएगा। मैं आपको लेकर दिखाता हूँ साइड में, या ऐसा समझ लीजिए कि मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। अब देखिए अगर मैं एलसीएम लेता हूँ इसको, तो ये ऊपर जब जाएगा तो टी माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर, और ये जब उधर जाएगा तो माइनस बीच में है, तो माइनस का टी हो जाएगा प्लस का ए स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, और नीचे वही आ जाएगा टी माइनस ए स्क्वायर और टी माइनस आपका बी स्क्वायर, समझिए। तो ऊपर आ रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको सॉल्व करने पे ये क्लोज ब्रैकेट में ये होगा और ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने लिया कट जाएगा तो फिर ये फाइंड हो जाएगा। इस स्टेप को अगर आप एलसीएम लेते हैं, इस स्टेप का आप अगर एलसीएम लेते हैं सॉल्व करते हैं तो आपको ये फाइंड होता है। तो इसके प्लेस पर इसको मैं लिख सकता हूँ, मैथमेटिक्स का यही मेथड होता है, इक्वल होना चाहिए, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए स्क्वायर के लोगों पर। तो वहां से मैंने 1 अपॉन टी का लॉग लॉग एक्स, 1 अपॉन एस का लॉग एक्स और टी की वैल्यू को मैंने रख के लॉग एम अपॉन एन वाला फॉर्मूला अप्लाई किया। तो बच्चों आज मैंने 2 से लेके 6 तक आपको पढ़ाया, 2 से 6 तक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 जो मैं देख पा रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल सेम इसी मेथड से हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 से 9 तक आपका मैंने यहाँ पर आपको टीच किया, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 10 से टीच करूँगा, ठीक है, ओके, दैट्स ऑल, जय हिंद जय भारत।